विश्व हिंदू परिषद व धर्म रक्षा संघ के बैनर तले साधु संतों ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग थी कि भूसे की अवैध बिक्री पर रोक लगाई जाए। मथुरा में विश्व हिंदू परिषद एवं धर्म रक्षा संघ जिला के तत्वाधान में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष विनोद राघव और साधु संतों ने जिला अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सभी ने मांग की कि वृंदावन की गौशाला में इन दिनों भूसे का अभाव चल रहा है, क्योंकि राजस्थान से तुरी लेकर आने वाले ग्रामीण मथुरा से भूसा ले जाते हैं, जिसके लेकर मथुरा में भूसे की कमी आ गई है और गौशालाओं में गोवंश के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि यूपी राजस्थान बॉर्डर पर भूसा ले जाने वाली गाड़ियों को रोका जाए और भूसा गाड़ियों को वापस किया जाए, क्योंकि मथुरा की गौशाला में चारे की कमी नजर आ रही है। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। भूसे की कमी का मूल कारण ये है कि लोभ लालच में एक तो किसान वैसे ही गेहूं कम बो रहा है और लाया ज्यादा बो रहा है, फिर उसके अलावा जितना भी भूसा हुआ है गेहूं का, ये राजस्थान से तूरी लेकर के भट्टों पर खाली करने के लिए जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, जो वाहन आ रहे हैं, वो यहाँ से खेतों से ही भूसा उठा कर ले जा रहे हैं। और टाल पर जाओ तो 450 और 500 मन चैत का महीना है, जब इस समय ये रेट हैं तो फिर आगे क्या हुआ। तो गौशाला के जितने संचालक हैं बहुत चिंतित हैं, पूरा साधु समाज और पूरे ब्रजवासी सभी आज मिलकर के, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और सभी लोग मिलकर के इसीलिए आए। तो आपने आश्वासन दिया जिलाधिकारी महोदय ने कि हमने CDO के द्वारा पहले ही आदेश करा दिए हैं 5 अप्रैल को, और जितने भी नाके हैं सभी पर नाकेबंदी की जाएगी, कोई भी गाड़ी में भूसा भरकर यहाँ नहीं जाएगा। और गांव-गांव में हम ट्रैक्टरों के द्वारा ये समाचार देंगे कि जो भी भूसा है गौशाला में पहुँचाया जाए, कोई भी भूसा बाहर से आने वाले राजस्थान के लोगों को, व्यापारियों को न दिया जाए। आज हमने संत समाज के साथ में यहाँ पर ये ज्ञापन दिया है कि भूसे की बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। राजस्थान से जो तूरी की गाड़ियाँ आती हैं, भट्टों पे तूरी खलाने के बाद यहाँ के भूसे को ले जाती हैं, और इस समय जो भूसा चला जाएगा तो यहाँ भूसे की बेहद कमी हो जाएगी और गौशाला में जो गाय हमारी भूखो मरने के लिए मजबूर हो जाएंगी। और साधु संत जो अपनी गौशालाएँ चला रहे हैं यहाँ अपने उससे सहयोग से, उसमें इन्हें चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया है कि जो बॉर्डर पर भूसे की गाड़ियाँ जाती हैं उन्हें रोक के वापस किया जाए और मथुरा का भूसा मथुरा में ही रहे, जो यहाँ की गायों के और जानवरों के काम में आए। क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा है कि इस पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं और इसको रोका जाएगा। आज विश्व हिंदू परिषद एवं धर्म रक्षा संघ के तत्वाधान में आज हम लोगों ने आज DM साहब से आने वाले बहुत सारे संत और गौशाला वाले स्वयंसेवक थे, और बहुत बड़ी भयावह व्यवस्था आने वाली समय हमें दिख रही है, क्योंकि आज के रेट में 400 450 500 रुपये तक भूसा जो बिक रहा है, वो सीजन जो होता है, जो भूसा की फसल जो होती है, आज आम गौशाला जो 50 50 100 100 गैया पालते हैं, जो उनका कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई सरकार के द्वारा अनुदान नहीं है, उन गौशालाओं के प्रति हम लोगों ने सोच के, क्योंकि जो राजस्थान से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो यहाँ तूरी भर के यहाँ से भूसा वापस जाना, ये बहुत ही हमारे लिए घातक हुआ है। हम आप देख लीजिए गौशाला जा के, उनका अभी तक तो गौशालाओं में एक तूरी भूसा भी नहीं पहुँचा है और भूसा मार्केट से ख़त्म होता जा रहा है। तो इसकी भयावह व्यवस्था अगर ना आगे ना हो, इसलिए DM साहब से आज विश्व हिंदू परिषद के आपके जिलाध्यक्ष राघव जी के साथ और धर्म रक्षा संघ के संयोजक आचार्य बद्री जी महाराज जी के साथ आज DM साहब ज्ञापन दिया। DM साहब ने कहा है और हमें समय भी दिया है, मैंने तत्काल प्रभाव से अगर नहीं रोकते हैं तो हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आप मिलेंगे और इसकी व्यवस्था की जाए। मथुरा के महिला अस्पताल में